हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 10 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा के 17 पौधों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस उप अधीक्षक जाखड़ के नेतृत्व में वर्ष 2021 में लगातार तीसरे दिन मादक पदार्थों के खिलाफ 20वीं कार्यवाही। सोजत सिटी जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा एवं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के सुपरविजन में मादक पदार्थों तस्करों के विरोध विशेष अभियान के तहत सोजत रोड थाना प्रभारी के नेतृत्व में अवैध गांजा 10 किलो 400 ग्राम के 17 पौधों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि सोजत सर्कल में DSP हेमंत कुमार जाखड़ के नेतृत्व में वर्ष 2021 में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार तीसरे दिन यह 20वीं कार्यवाही है। सोजत रोड थाना प्रभारी ऊर्जा राम ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि खारिया सोडा में बावरियों के बास में बंशीलाल पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी के खेत में अपने घर के अहाते में अवैध गांजे के पौधे उगाए हुए हैं, जो काफी बड़े हो चुके हैं। उसको बंशीलाल बावरी कभी भी काट कर गांजे के व्यापार हेतु बेच सकता है। अगर तुरंत दबिश दी जाए तो अवैध गांजे के पौधे बरामद हो सकते हैं। सूचना विश्वसनीय होने पर इसकी सूचना बड़े अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश के बाद खारिया सोडा के रहवासी मकान के अहाते में व्यापार के लिए उगाए गए अवैध 17 गांजे के पौधों को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश के बाद एक स्पेशल टीम का गठन कर आरोपी बंशीलाल पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी उम्र 60 साल के पैशा खेती निवासी खारिया सोडा के रहवासी मकान के अहाते में व्यापार के लिए उगाए गए अवैध 17 गांजे के पौधों को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह थे टीम में। इस कार्रवाई के दौरान सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जा राम, हेड कांस्टेबल घनश्याम, कांस्टेबल जगदीश, मुकेश कुमार, बुधाराम चैन सिंह आदि शामिल थे। जागरूक टीवी के सोजत से नत्थाराम बोराना की रिपोर्ट।